तो दोस्तों, इस शनिवार एक बड़ी खबर सामने उभर के आ रही है। आमिर खान करीना कपूर खान के फैंस के लिए बड़ी खबर सामने आई है। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की रिलीज डेट को आधिकारिक तौर पर स्थगित कर दिया गया है। वैलेंटाइंस डे 2022 पर रिलीज होने वाली फिल्म अब बैसाखी 2022 पर रिलीज होगी। आमिर करीना के नए पोस्टर के साथ इस खबर को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। आपको बता दें, फिल्म की घोषणा 2019 में आमिर खान के जन्मदिन पर ही कर दी गई थी। सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए प्रोडक्शन हाउस ने अपने कैप्शन में लिखा, हमें अपना नया पोस्टर फिल्म की नई रिलीज डेट शेयर करने में खुशी हो रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह तीसरी बार है जब फिल्म की रिलीज डेट को बढ़ाया जा रहा है। फिल्म को पहले क्रिसमस 2020 में रिलीज किया जाना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते आमिर खान फिल्म के निर्माताओं ने इसे क्रिसमस 2021 तक बढ़ाने का फैसला ले लिया था। फिर इसके बाद कुछ कारणों से फिल्म को वैलेंटाइंस डे 2022 पर रिलीज करने का निर्णय लिया गया, लेकिन अब लाल सिंह चड्ढा वैसाखी अप्रैल 14, 2022 को रिलीज होगी। ये फिल्म टॉम हैंक्स स्टारर फॉरेस्ट गंप का रीमेक है। ये फिल्म उन घटनाओं पर आधारित है जो भारतीय इतिहास में घटित हुआ है। लाल उर्फ आमिर की यात्रा से जुड़ी होगी। फिल्म में नागा चैतन्य, मोना सिंह भी अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। फिल्म की शूटिंग पंजाब, हिमाचल, लद्दाख, तुर्की सहित कई अन्य स्थानों पर की गई है। फिल्म का निर्देशन अडवाणी चंद ने किया है। करीना कपूर ने पीटीआई से बात करते हुए आमिर खान पिछले 2 वर्षों से फिल्म के निर्माण के दौरान बहुत चीज़ों से गुजर चुके हैं। 3 इडियट्स तलाश के बाद आमिर मैं लंबे समय के बाद एक साथ नजर आए हैं, इसलिए मैं बेहद उत्साहित हूँ। ये फिल्म हमारे लिए बहुत खास है, हमने बहुत मेहनत की है, खासकर आमिर, उन्होंने फिल्म के लिए बहुत कुछ किया। मेरे हिसाब से ये एक शानदार स्क्रिप्ट है, मुझे उम्मीद है ये हमारी अन्य फिल्मों की तरह बड़े पर्दे पर अच्छा प्रदर्शन करेगी। तो देखना ये होगा कि आमिर खान की ये फिल्म किस तरह की जाती है, क्या लोगों को ये फिल्म पसंद आएगी या नहीं। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और अगर आप आमिर खान और करीना कपूर के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।